अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज का जो ब्लॉग है ना, बिल्कुल रात को शुरू कर रहे हैं। हमारे काम देखे आप, सारा दिन हमने कुछ भी नहीं बनाया। अभी मैं बर्तन धो रही थी तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। कभी कभी शाम के टाइम में स्टार्ट कर लेना चाहिए। आज हम लोगों ने खाने में कुछ भी नहीं बनाया था, कर दिया था नादिया ने सालन करेले का, वो रखा हुआ था। और कल हमने जो बंद गोभी बनाई थी ना, उसका सालन भी रखा हुआ था फ्रिज में, तो दोनों सालन को गर्म किया और रोटी खा ली, रोटी बना के खा ली। तो सालन कुछ भी नहीं बनाया था, ये चाय बनाई थी, मेहमान आए थे तो उनके लिए बनाई थी चाय, इसलिए ये इतने सारे कप आपको नजर आ रहे होंगे। तो चाय वाला बर्तन है और सालन वाली कटोरियां हैं, वो मैंने कहा धो दूं, फिर सोने का टाइम भी हो चुका है, अब्दुल्ला सो गया और अब माशाल्लाह अब्दुल्ला ट्यूशन जाता है ना, तो शाम को यह है कि थक के सोता है। और मुझे तो सुकून हो गया कि वो अब सारा दिन पढ़ता रहता है, गली में बच्चों के साथ खेलने का उसको कम से कम टाइम मिलता है, ये बड़ी अच्छी बात हो गई है। ट्यूशन जाता है ना तो अब सही रहता है। मैं बर्तन के साथ धोती हूँ। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो पूरी देखिएगा। मैं थोड़ी देर पहले इन सारे कप में पानी डाल गई थी ताकि ज्यादा सूख ना जाए चाय के निशान। तो अब मैं यहाँ पे आई हूँ इनको धोने के लिए, साथ साथ मैंने कहा चले आपसे भी बात बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला अभी सोया है। घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं और स्पेशली बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब जब भी आप सोचते हैं कि चले अब मैंने अपना काम सारा ख़त्म कर लिया है, बर्तन सारे धो लिए हैं, तो थोड़ी देर बाद जब जाते हो किचन में तो सिंक में एक दो बर्तन फिर से हो जाते हैं। लेकिन खैर, हरकत में बरकत है और जब तक इंसान की सांस चल रही है तब तक इंसान ने खाना भी खाना है और तब तक बर्तन भी होने ही हैं। अल्लाह पाक सबके किचन आबाद ही रखे। ऐसे दिन ब दिन मौसम जो है ना वो गर्मी की तरफ जा रहा है और अब दिल करता है कि बंदा बाहर सोए। तो हम भी सोच रहे हैं कि दो चार दिन तक हम बाहर सोना शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा लेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नादिया के हस्बैंड आए हुए हैं, तो हमारा सहन आप लोगों ने देखा हुआ है कि अगर हम बाहर सोते हैं सहन में तो हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि हमारे घर में, क्योंकि कोई मर्द नहीं है, हम अकेली लेडीज़ हैं, तो वहाँ कोई आएगा जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है हमारा घर। हमारा घर इस तरह का है कि अगर हम बाहर सोते हैं ना सहन में तो नादिया के घर में जो भी बंदा आता है या नादिया के घर से कोई बंदा बाहर जाता है तो वो हमारे सहन से गुजर के जाता है। मतलब बड़ा एक ऑकवर्ड सा वो होता है, अनकम्फर्टेबल होता है बंदा कि हम लोग बाहर सोए होते हैं, और या तो फिर रात को या फिर सुबह सुबह नादिया का बेटा या नादिया का शौहर या नादिया के अब्बू ये यहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो मतलब क्या करें, अब मजबूरी है, बहुत अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, अनकम्फर्टेबल होता है, लेकिन बस क्या करें, मजबूरी है। तो हम कह रहे थे चलो जब नादिया का शौहर वैसे भी तो जाने वाले हैं ना वो दो चार दिन में, तो टिकट उन्होंने करा लिया, जैसे ही वो चले जाएंगे कराची वापस तो फिर हम लोग बाहर सोना शुरू कर देंगे। अच्छा, बातों बातों में जो व्लॉग है ना वो रात से डायरेक्ट सुबह पे कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पे मैं अब्दुल हाथ के लिए सुबह सुबह नाश्ता बना रही थी। पहले मैंने उसका एक पराठा बनाया है, उसके लिए अंडा फ्राई किया और फिर मैंने आटा रख दिया। अपना नाश्ता मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि अब्दुल्ला हाथ को फिर स्कूल भेजना होता है। पहले हम कहते हैं कि उसको स्कूल भेज दें, बाद में रिलैक्स होकर अपना नाश्ता बनाएंगे। तो अपना तो मैंने पराठा जाना वो काफ़ी टाइम से छोड़ा हुआ है, अम्मी ने भी छोड़ा हुआ है। हम लोग सादा रोटी बनाते हैं, अम्मी तो कहती है कि मेरी रोटी पर घी ना लगाया करो, मैं तो फिर भी खैर घी लगाती हूँ, ऊपर तो लगाती ही हूँ, पराठा भले ना हो लेकिन ऊपर से घी लगाती हूँ। तो लेकिन अब्दुल्ला हाथ का मैं पराठा बनाती हूँ क्योंकि वो तो बच्चा है, वो पराठा शौक से खाता है, तो बच्चों को तो पराठे अच्छे लगते हैं, उनकी तो उम्र है। तो मैंने कहा चलो अब्दुल्ला हाथ के लिए पराठा और अंडा बना लूँ, फिर जाके मैं उसको उठाती हूँ, उसको कहती हूँ कि मुँह हाथ धो लो और स्कूल का टाइम भी बेटा होने वाला है। और इसी जगह पर अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। अस्सलामुअलैकुम, स्कूल का टाइम हो गया, अभी रोटी खाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। अंडा पराठा,
पसंद है ना अंडा पराठा? जी चलो भाई, अब्दुल्ला हज स्कूल जाने की अब तैयारी करने लगा है। पहले करेगा नाश्ता, उसके बाद यूनिफॉर्म पहनना है, और उसके बाद शूज़ पहन के, तो बस तब तक स्कूल का टाइम भी हो जाएगा। ये बैठी है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं अब्दुल्ला की चीज के पैसे निकाल के बैठी हूँ। पहले दूध लेने गई हूँ, अंडा ले आई हूँ, चॉकलेट ले आई हूँ, और अब ये चीज के पैसे, स्कूल की चीज के। अब्दुल्ला आज सोया हुआ होता है तो अम्मी जाके सुबह सुबह दूध ले आती हैं, अगर अंडा लेना हो तो वो ले आती हैं। तो मैंने तो अम्मी को कई बार कहा कि अम्मी अब्दुल्ला को भेजते हैं, लेकिन अम्मी कहती है नहीं, चलो सुबह सुबह मेरी थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी। बेटा भी 50 रुपया है ना, 20 की चीज ले लेना, 30 रुपया पकाया ले आना, ठीक है? हाँ वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। खैर से जाओ बेटा, खैर। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद एक माँ जो है ना बहुत हल्का पुल्का महसूस करती है, और बहुत अच्छा लगता है कि चलो जी बच्चे चले गए हैं एक अच्छे पर्पस के लिए। और मैं ये कहती हूँ हर माँ को, मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि देखें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं या आप महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं तभी आपके बच्चे कामयाब होंगे। नहीं, बच्चे आपके सरकारी स्कूल में पढ़ के भी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन बस ज़रूरत क्या होती है, थोड़ी सी माँ की तवज्जो की ज़रूरत होती है। ज़रूरत ये होती है कि आप उनको रेगुलर भेजें, उनको छुट्टी ना करवाएं। और जब बच्चा स्कूल जाता है ना डेली रेगुलर, और शाम के टाइम माँ उसको देखे भी कि बच्चे ने क्या पढ़ा है, क्या उसकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, तो थोड़ी सी माँ की तवज्जो और जो बच्चों का रेगुलर स्कूल जाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको किसी महंगे स्कूल भेज रही हैं या फिर किसी सस्ते स्कूल भेज रही हैं। मैंने भी अब्दुल्लाहत को जो है ना पहले एक सरकारी स्कूल में भेजा था, 1 साल बल्कि 2 साल ये वहीं पढ़ता रहा है, लेकिन अफसोस कि वहाँ पे पढ़ाई कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वहाँ की फ़ीस होती है 20 रुपये, लेकिन मैं उस पर भी मुतमईन थी कि चलो कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो खुद भी अपना फिर दिमाग इस्तेमाल शुरू कर देता है करना, तो सीख जाएगा। लेकिन खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता यही है कि जैसे जैसे मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हुआ, मुझे मंथली इनकम आना स्टार्ट हुई, तो फिर मैंने अब्दुल्ला को एक प्राइवेट स्कूल में डाल दिया है। लेकिन ये वाला प्राइवेट स्कूल भी कुछ बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 1500 इसकी फ़ीस है, तो जो कि मतलब मैं एक मिडिल क्लास बंदा भी आसानी से अफोर्ड कर सकता है। बहुत ज़्यादा जो महंगे होते हैं, जो हज़ारों में जिनकी फ़ीस होती है, वो तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये भी हमारे हिसाब से ना बहुत अच्छा स्कूल है। और फिर वही बात आ जाती है कि महंगे और सस्ते स्कूल का कोई चक्कर नहीं होता है, चक्कर होता है कि आप रेगुलर बच्चे को भेजें और अपने खुद मतलब माँ जो है ना वो बच्चों पे तवज्जो दे। हाँ पढ़ाई में थोड़ा फ़र्क होता है, बिल्कुल होता है, मतलब आप अगर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल वाला बच्चा जो है वो छोटा सा बच्चा भी होगा ना, वो 2 क्लास का बच्चा भी होगा तो उसको अच्छी खासी इंग्लिश आएगी, लेकिन एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो 5 क्लास में भी होगा तो उसको इंग्लिश थोड़ा मुश्किल से आएगी। तो ये फ़र्क तो होता ही होता है, लेकिन जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर मतलब कुछ ना होने से बेहतर है कुछ होना। तो बेहतर यही है कि आप चाहे सरकारी में पढ़ाएं, लेकिन बच्चे को पढ़ाना ज़रूर है इंशाल्लाह, ताकि हमारे जो बच्चे हैं ना वो अपना फ्यूचर अच्छा कर सकें। हम लोगों की तो यही कोशिश है ना कि जो ज़िंदगी में मुश्किल हम लोग देख रहे हैं, हमारे बच्चे वो मुश्किल ना देखें। और हर ज़िंदगी के शोबे में कामयाब होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है तालीम। तो हम माँ बाप मतलब यही कोशिश कर सकते हैं कि बच्चों को अच्छी तालीम दे दें, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करेगा। इस कमरे का भी काम पूरा हो गया है, ये सारा देखें, इधर से लुबना ने कर लिया, इधर से मैंने कर लिया, दोनों माँ बेटी काम में लगे हुए थे, अब माशाल्लाह सारा काम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी पूरे घर का काम मुकम्मल हो चुका है, कमरे की सफाई कुछ अम्मी ने कर ली है, किचन की मैंने कर ली है, और पूरा घर हमारा नीट हो गया है, लश्कारे मार रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं और अम्मी थोड़ी देर सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे, शाम शाम करके लेट गए थे थोड़ी देर, और अब अब्दुल्लाह ने आके हमें उठाया है।
माशाल्लाह ये स्कूल से आ गया है। अभी स्कूल से आया हूँ और मैंने देखा कि मम्मा वही तो सो रहे हैं। छुपके छुपके मम्मा को उठाया और मम्मा ने कहा मम्मा जी उठो मैं आ गया हूँ। मैंने आज थोड़ी जल्दी मैंने बनियान को कमीज उतारी है, पंखा चला दिए, बहुत गर्मी हो रही है। जी बेटा अब तो जोरों पे हैं गर्मियाँ, अब तो ऐसे ही होगा जब आप स्कूल जाओगे ना, बड़ी धूप हुआ करेगी है ना। आप सब कैसे हो, आपने कमेंट में बताना है। आप मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है आप लोगों ने, जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कल मिलते हैं फिर आपसे दिन के साथ, नए दिन के साथ। अल्लाह तब तक आपके अल्लाह हाफिज़।